आदर नाम मुबारक की 15 तारीख है और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 29 के हवाले से दरसे कुरान का उन्वान है खर्च का तरीका। माल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको आजमाइश के लिए दिया है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर उम्मत का खास कितना होता था, इस उम्मत का खास कितना जो है वो माल हो, माल के जरिए से इस उम्मत की बड़ी आजमाइश होगी। और क़यामत के अल्लाह रब्बुल आलमीन माल के ताल्लुक से दो सवाल करेगा, एक तो ये कि कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ कहाँ किया। तो खर्च के ताल्लुक से भी जानना हमारे लिए जरूरी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर जगह जगह अहले ईमान के खर्च का तरीका बतलाया है। यहाँ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 29 में फरमाया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा, कि अपने हाथ को अपने गर्दन से बांध कर मत रखो, अपने हाथ को अपने गर्दन से बांध कर बंधा हुआ मत रखो। इसका मतलब यह है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यानी खर्च करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बखीली मत करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति, और ना ही उसको पूरी तरह से फैला दो, यानी फजूल खर्ची भी मत करो, ना ही कंजूसी करो ना ही फजूल खर्ची करो, यानी पूरी तरह से रोक कर भी मत रखो और पूरी तरह से हाथ फैला कर, यानी पूरी तरह से खर्च करके खाली हाथ भी मत हो जाओ, वरना इसका अंजाम क्या होगा, فتقعد ملوما محسورا, वरना तुम मलामत किए हुए और थके हुए होकर बैठ जाओगे। यानी माल के खर्च के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीजों से मना किया है और दोनों का अंजाम बतलाया है। एक ये कि कंजूसी मत करो, बखीली मत करो, अपने हाथों को गर्दन से बांध कर रखने से मुराद ये है कि बखीली मत करो, कि जिसका हक है वो भी मत दो, अहलो आयाल पर मत खर्च करो, माल का ज़कात भी मत निकालो, इतना माल को रोक के मत रखो, वरना इसका अंजाम ये होगा कंजूसी का कि तुम मलूम हो जाओगे, यानी लोग तुम्हें मलामत करेंगे और मलामत करके तुम्हें छोड़ देंगे, तुमसे लोग किनारा कर लेंगे। और दूसरे आज ये मतलब है कि वला तब सुखा कुल लगभग, पूरी तरह से अपने हाथों को फैला भी मत दो, यानी इतना भी मत खर्च कर दो कि तुम्हारे पास कुछ रहे ही ना, वरना उसका अंजाम क्या होगा, महसूरा, तुम थके ही हो जाओगे। थका हुआ उस ऊंट को कहते हैं कि जो चलते चलते रास्ते में थक जाए और उसका अब आगे चलने की उसके अंदर ताकत ना हो तो उसका मालिक उसे छोड़ करके आगे निकल जाए। तो इस तरह से अगर तुम खाली हाथ हो जाओगे तब भी लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तो थके होकर बैठ जाओगे और लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से दोनों से मना किया गया है। बल्कि खर्च करने का तरीका क्या होता है, सूरह फुरकान के अल्लाह ने रहमान के बंदों को सिफात बतलाई है, वहाँ खर्च करने का तरीका बतलाया है कि वो खर्च कैसे करते हैं। वइदा अनफकु लम यक्तुरु लम युसरिफु व लम यक्तुरु व कान बैन ज़ालिका क़वामा, जब वो खर्च करते हैं तो ना ही कंजूसी करते हैं और ना ही फजूल खर्ची करते हैं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि दोनों के दरमियान खर्च करने का उनका तरीका होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर सदका कौन सा है, सबसे अफजल सदका कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सदकतु अन ज़हरिल गिना, वो सदका जो देने के बाद भी आदमी मालदार रहे, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक आदमी बचा के रखे, रोक के रखे, उसके बाद जो है वो खर्च करे, इतना खर्च ना करे कि लोगों सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। इस सिलसिले में मुसनद अहमद के अंदर एक वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक शख्स आया, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर पुकारा कि ऐ फला दुरकात नमाज पढ़ो। दूसरे दिन फिर आए, दूसरी मतलब फिर आए, फिर अल्लाह वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो फिर अल्लाह ने पुकारा कि ऐ फला दुरकात पढ़ो। तीसरी बार भी आपने पुकारा, तो इस तरह से तीनों बार जब आपने पुकारा लेकिन लोगों की तवज्जो उसकी तरफ नहीं गई, तो फिर चौथी बार आपने ऐलान किया कि लोगों सदका करो,
तो लोगों ने सदका किया, अल्लाह के वसल्लम ने उन्हें दो कपड़े दिए पहनने के लिए, यानी बार बार उनका नाम जो ले रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि लोग उनकी तरफ तवज्जो करें और देखें कि यह आदमी मोहताज है। उस आदमी की हालत खस्ता थी, लोग उसके ऊपर सदका करें, इसकी जरूरत को पूरी करें, लेकिन लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। फिर अल्लाह ने खुद सदके का ऐलान किया कि लोगों सदका करो, सब लोगों ने सदका दिया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दो कपड़े दिए, उसने अच्छे से पहन लिया। फिर दूसरी बार अल्लाह के ने फरमाया लोगों सदका करो, तो वो अपने दोनों कपड़ों में से एक कपड़ा निकाल के देने लगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा, कहा कि ये दुरुस्त नहीं, अभी तुम्हें दिया गया है, तुम्हारी अपनी जरूरत है, अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें डांटा, बोला कि नापसंद किया। तो इस तरह से जो आदमी अपनी जरूरत को ख्याल में रखे, पूरा खर्च कर दे, पूरा खत्म कर दे। बहुत सारे लोग होते हैं, देखते नहीं कि हमारी आमदनी कितनी है और खर्च करने लगते हैं तो हाथ नहीं रोकते हैं और बाद में से खाली हाथ हो जाते हैं, उन्हें मांगना पड़ता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस वाक्य के अंदर बहुत वाज़ेह मिसाल। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर उभारा भी है और बकरियों कंजूसी से रोका भी है। जैसा कि बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खर्च करने वाले की और बखीली करने वाले की दोनों की आपने मिसाल दी और कहा कि जैसे दोनों के ऊपर लोहे का एक जुब्बा है, खर्च करने वाला और बखीली करने वाला इंसान की मिसाल ऐसे है जैसे उनके ऊपर एक लोहे का जुब्बा है, लोहे का जुब्बा पहने हुए हैं। जब खर्च करने वाला खर्च करता है, सफी आदमी जब उसमें से खर्च करता है अपने माल में से, तो उसका वो जुब्बा फैल जाता है, यहाँ तक कि वो जुब्बा जो उसकी छाती से लेकर गले तक था वो पूरे बदन को ढांप लेता है, यहाँ तक कि उसके उंगलियों के पोरों को भी ढांप लेता है और उसके निशानाते कदम को मिटा देता है, इस तरह से फैल जाता है। और कंजूस आदमी जब उसे खर्च करने की बारी आती है तो वो अपने हाथों को खर्च करना चाहता है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाता है, उसकी बकील की कंजूसी से रोक लेती है, जो उसका जिब्बे की एक कड़ी उसके सीने पर चिपक जाती है, सिमट जाती है और वो आदमी हाथ नहीं बढ़ा पाता है, खर्च नहीं कर पाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मिसाल देकर समझाया, खर्च करने पर उभारा नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से भी उभारा है। बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि आसमान से रोजाना दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह खर्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन तलफा, अल्लाह रोक रखने वाले के माल को बर्बाद कर दे। तो कंजूसी भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा भरोसे का खर्च भी नहीं करना चाहिए। कंजूसी की बड़ी मजम्मत की गई है, यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम, लोगों कंजूसी से बचो, बखीली से बचो, फइन्नका अहलक मन काना क़ब्लकुम, इस कंजूसी ने ही तुमसे पहले के लोगों को हलाक किया है। कहते कि इसी की वजह से यही हुक्म देती है तो इंसान इसकी वजह से हलाल हराम माल को भी हलाल कर लेता है, इसी की वजह से आदमी किसी का खून बहाता है, इसी कंजूसी की वजह से आदमी रिश्ते नाते तोड़ देता है और इसके बड़े नुकसान हैं। और बल्कि इससे पहले की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया, फरमाया इन्नल मुवज्जिरीना कानू इख्वाना शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। और उसके बाद यही बतला दिया कि क्यों शैतान की खसूसियत क्या है, कि शैतान अल्लाह का नाशुकरा है, यानी जो लोग माल को बेदरे खर्च करते हैं और फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई न शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं और शैतान की तरह से अल्लाह के नाशुकरे होते हैं। यानी पता ये चला कि जहां बखीली करना नाशुकरी है वहीं माल को बेजा खर्च करना ये भी नाशुकरी है। कैसे, शैतान से क्या मुखालफत होती है? देखें शैतान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी नेमतें दे रखी है, बहुत सारे अख्तियारात दे रखे हैं, उसे पावर और अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रखी है, तो उन सब का इस्तेमाल कहां करता है? शैतान को जो भी ताकत और कुव्वत मिली है, जो भी मोहलत मिली है, जो भी उसे छूट मिली है, उसका सबका इस्तेमाल अल्लाह के नाफरमानी के काम में करता है। अपनी पूरी एनर्जी सर्व करता है कि लोगों को अल्लाह की नाफरमानी में लगाए। अब जो इंसान अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की नाफरमानी की जगहों पर खर्च करता है, रियाकारी और दिखावे और शोहरत के नामों पर खर्च करता है, खासकर आज शादी ब्याह के मामले में देख लें उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, किस कदर बेजा इसराफ करते हैं, ये सब
इसके जो मुआशरे पर जो असरात होते हैं वो सिर्फ फसाद और बिगाड़ के ही असरात होते हैं, उसका नतीजा जो होता है वो सिर्फ तबाही बर्बादी का ही होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसके अंदर कम से कम फर्क हो, आसानी से हो। अब इस तरह से मुश्किल करके सिर्फ फसाद और बिगाड़ पैदा करते हैं, तो फसाद और बिगाड़ पैदा करना किसका काम है? शैतान का काम है। तो ये शैतान के भाई हो रहे हैं, शैतान के काम में मदद कर रहे हैं और शैतान के मस्ते कदम पर चल करके फसाद और माशरे को बिगाड़ने और फसाद बर्पा करने में रोजा कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मोमिन को चाहिए कि फजूल खर्ची से भी बचे और बकरी कंजूसी से भी बचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल को अमानत अमानत समझ करके अल्लाह के रजा के कामों में खर्च करे, अपने ऊपर खर्च करे, अपने अहलवायाल पर खर्च करे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे और अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, जो उसकी जरूरत से ज्यादा बचे और अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करे और उसका ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्ज किया ज़कात से अदा करे, तो इस तरह से इंसान तंदुरुस्ती और बकीली से बच जाएगा और अल्लाह की नाफरमानी के कामों में खर्च करने से बचे, तो इस तरह से इसराफ और फजूल खर्ची से बच जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानो मोमिन बंदा बनाए, रहमान का बंदा बनाए और खर्च करने में भी दरमियानी रास्ते अख्तियार करने तो फरमाए। आमीन तकब्बल या रब्बुल आलमीन।